For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. लिटिल लोलिता मॉन्की गॉट अंकल जब से रिलीज हुई है चाइना में यानी कि 2 मार्च को, तब से दोस्तों ये जो स्टोरी लाइन है, ये जो फिल्म है, दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। आपको बता दूं, ये कहानी है पाकिस्तानी लड़की की जो कि इंडिया में रह जाती है, फिर पवन चतुर्वेदी यानी कि हमारा बजरंगी भाईजान उसकी मदद करता है और उसे पाकिस्तान छोड़कर आता है। चाइनीज दर्शकों को फिल्म बहुत अच्छी लग रही है। क्यों अच्छी लग रही है? क्योंकि चाइनीज बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छे फिगर आ रहे हैं। 2 मार्च को फिल्म हुई थी रिलीज दोस्तों, और 186.23 करोड़ इसने अभी तक कमा लिए हैं चाइनीज बॉक्स ऑफिस में, और ये बहुत बड़ी बात है उस फिल्म के लिए जिसने कि 3 साल पहले डेब्यू किया था ओरिजिनल। ठीक है, 3 साल पहले फिल्म हुई थी रिलीज इंडिया में दोस्तों, 3 साल पहले बनी थी ये फिल्म। उसके बाद 3 साल बाद अब रिलीज हो रही है चाइना में, नंबर वन बात। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, वो ये है कि सलमान खान जो कि इतने बड़े सुपरस्टार हैं, उस फिल्म के मेन अट्रैक्शन है, वो फिल्म को प्रमोट करने के लिए चाइना नहीं गए। ठीक है, क्योंकि अपने वर्क कमिटमेंट के चक्कर में। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फिल्म जो है इसके साथ साथ बॉक्स ऑफिस पे बहुत सारी फिल्म रिलीज हुई थी, करीब 7-8 रिलीज हुई थी दोस्तों। तो ऐसे में बजरंगी भाईजान ने इतने 186.32 करोड़ कमा लिए हैं, बहुत अच्छी बात है यार, कंग्रेचुलेशन। एंड फिल्म विल क्रॉस विद इन 2 डेज लाइक 200 करोड़ मार्क तो आराम से क्रॉस कर जाएगी। आपको क्या कहना है इस बारे में, 200 करोड़ कितने दिन में क्रॉस कर सकती है फिल्म, ये मुझे बताइए। फ्राइडे आने वाला है तो इसलिए फटाफट बताइएगा, सोच समझ के बताइएगा, कमेंट सेक्शन आपका जरूर बताना। एंड फॉर मोर फिल्मी अपडेट्स वॉच चैनल फिल्मी आरा विद मी राहुल भोज।